तो हम जाएंगे इस वाली बोट में, बिकॉज में लगा हुआ देखो झंडा, क्या मस्त लग रहा है लहराते हुए। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज जा रहे हैं घूमने के लिए गोवा, कुछ भी हाँ, बट वहाँ पे ना पानी समुद्र के जैसा ही है जहाँ हम जा रहे हैं। तो पीयूष के चल रहे हैं एग्जाम और आजकल ये बहुत ज्यादा बिजी हो रखा है, तो अभी सुबह सुबह फ्री था, इसके भी ट्यूशन भी स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी देर में, तो कह रहा था चलते हैं घूमने के लिए थोड़ी देर, तो चलते हैं, इसका माइंड ही फ्रेश रहेगा बेचारे का। चलो चलो, तो चलो चलते हैं, हम जा रहे हैं गुलरबोज डैम, वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे बोटिंग वगैरह भी करेंगे, जंगल का रास्ता तो ऑफ रोडिंग भी करेंगे। ये देखो आज पोर्च खड़ी है घर के बिल्कुल बाहर, क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा था कुछ पेंट वेंट का, तो आई कर दी थी वहाँ पे, देखो कुछ सामान भी पड़ा हुआ है तो इसको पीछे कर देंगे, बट काफ़ी टाइम उसे चला ही नहीं पा रहे भाई हम। गाइस एक बात समझ में आ गई, अगर आप सुपर कार स्पोर्ट्स कार लोगे ना तो कभी कभी चला पाओगे, 10-15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, रोज़ नहीं चला पाओगे क्योंकि टाइम ही नहीं मिलेगा, अपने काम में बिजी रहोगे, तो नॉर्मल गाड़ी चला पाओगे, प्रैक्टिकल गाड़ी चला पाओगे, हर जगह इसको ले जा भी नहीं सकते ना, तो जब मन करे शौक के लिए कभी शाम के टाइम पर निकल जाओ या फिर रात के टाइम पर निकल जाओ। भाई मुझे टाइम से घर वापस आना है, पीयूष का ट्यूशन है, क्या लगता है आप आएंगे? मुश्किल है, जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी तब आप आएंगे, वैसे भी हम सुबह सुबह निकल रहे हैं, तो भी रुके हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, पेट्रोल भरवाते हैं और फिर चलते हैं। 100 रुपए हो गए आपके? 200 रुपए हो गए? 300। चलो भाई पेट्रोल भरवा लिया, अब चलते हैं। तो अभी यहाँ पे रुके हैं, कुराले ध्यान से, हाँ बढ़िया बढ़िया, अरे मरी हुई है ना वो, अरे दो मछलियाँ हैं वहाँ पे, हैं कुछ भी सो रही है, ऐसे थोड़ी ना सोती है, मर रखी है वो, कुछ भी कुराले ध्यान से, पानी पानी से दूर रहना कुराली, मरी है बेचारी, कैसे मरी होंगी? बहुत ही दुखद सूचना है, इन दोनों की उम्र 80 साल से ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए मर गई। कुराली पीछे हो जाओ, पहले तो पीछे हो कुराली, पीछे पैर फिसलेगा जाएगा उसमें सीधा। चलो बोटिंग करेंगे गाइस, जिसमें बोटिंग करेंगे, चलते हैं वहां पे। तो अभी आ गए हैं बोटिंग के लिए, तो यहाँ पे हमको चूज करनी है बोट, तो हम सोच रहे हैं ये वाली चूज करें, ये वाली झंडे वाली, तो हम जाएंगे इस वाली बोट में, बिकॉज में लगा हुआ है देखो झंडा, क्या मस्त लग रहा है लहराते हुए। चलो मैं भी बैठता हूँ यहाँ पे, मजा आया। तो अब चलते हैं इस वाली बोट में, रेड वाली में, ये कह रहे एडवेंचर कराएंगे, ज्यादा डराना मत, ज्यादा मत डराना, बटन लगा, अरे बटन लगा बनाली, ये जाएगा तेरी, वाह टाइट पकड़ने, पकड़नी है कुराई, टाइट से पकड़, इसको टाइट पकड़, ओए नहीं ये तो बहुत खतरनाक था भाई, इसमें बहुत डर लगा, ऐसे लग रहा रोलर कोस्टर में थे। हम जा रहे हैं यहाँ से नीचे, शॉर्टकट मार रहे हैं, ये तो वहाँ से घूम के जाना पड़ता हमको, तो ये सही है, कुनाली आराम से चलना बस, ओए गिर गया। गाइस मस्त बोटिंग करी हमने और बहुत एडवेंचरस थी वो, बहुत डर लग रहा था उसमें। चलो भाई
जैसे ही हम जंगल से निकले मेन रोड पे पहुंचे, जो हमने यहाँ पे देखा, आगे से स्कूटी आ रही थी और एकदम से गाय से टकराई और वो सर के बल नीचे गिरा और हमने देखा, एकदम से गाड़ी रोकी और उसके बाद देखो जल्दी फोन कर, जल्दी फोन कर, जल्दी पापा जी आ गए इसको ना दिखा दूंगा। अब तो होश तो आ गया अच्छे से, कुछ देर तो नहीं आता, बट नहीं छोड़ देना। इनका सामान बड़ा पीछे बैग और वो मशीन है एक, और स्कूटी साहब इनके पास ही है। गाइस जैसे कि आपने देखा अभी, पता क्या हुआ अभी, बहुत खतरनाक बहुत डेंजरस सीन हुआ। हम जा रहे थे और ना एक बंदा स्कूटी से आ रहा था और वो गाय से टकराया बहुत तेज और छटकता हुआ सिर के बल नीचे गिरा और बेहोश, और हम एम्बुलेंस बुला रहे हैं उतर के, हम एम्बुलेंस को फ़ोन नहीं मिल रहा भाई, मतलब 10-15 मिनट हो गए सभी एम्बुलेंस बुला रहे हैं। मैंने कहा जल्दी से गाड़ी मोटरसाइकिल गाड़ी में बिठाया और अब इसको होश आ चुका है और भाई उसके सिर के बल गिरा, वहाँ खून ही खून हो गया, पूरा भीड़ हो गई वहाँ। तो पापा जी को बुलाया और ड्राइवर अंकल को बुलाया, वो अब जा रहे हैं हॉस्पिटल लेके, वो ट्रीटमेंट करा देंगे जो भी होगा, बाकी मैं तो जा नहीं सकता हॉस्पिटल, तो पापा जी को भेज दिया। लेकिन भाई देख के डर लगा ना, क्योंकि वो भाई सिर के बल ऐसे गिरा। लेकिन भाई एक चीज़ तो देख ली भाई, किसी कोई हेल्प नहीं करता है ना, कोई है, इतनी गाड़ी रुक रही थी, कोई हेल्प नहीं करता, कोई हेल्प नहीं करता, सारे बस एम्बुलेंस 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 एम्बुलेंस, कोई फोन नहीं मिल रहा था, सब गाड़ी वाले थे, 10 मिनट तक वेट ही करते रहे, 10 मिनट तक। फिर हमने बिठाया भाई, फिर हमने कहा बिठा यार बिठा, मेरे को बहुत ही अजीब एंग्जाइटी, बहुत अजीब सा हो रहा था मुझे। और ऊपर से उसने पी रखी थी, बताया उसने पी भी रखी थी, पी रखी थी वो, तभी गिरा, होश में नहीं था वो ज्यादा, पी के सेट था वो, जो भी था जैसे भी था गिरा तो सही ना भाई, देख की हमारे तो सामने गिरा भाई, मैं तो बैगा रोक भाई जल्दी से, होश हो गया था वो, तो होश आ गया भाई, बहुत सही लग रहा है, हो जाएगा ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं है इतनी। मेरे को तो अभी धक 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 हो रहा है बहुत तेज, और वो कह रहा है मैं जाता हूँ, अब कह रहा मैं जा रहा हूँ, सिर फटा पड़ा है पूरा, हाथ सब पैर सब चिले पड़े हैं, कह रहा मुझे छोड़ दो मैं जा रहा हूँ। बाय द वे टाइम से पहुंच गया हम, लंच करके जाएगा अभी ट्यूशन, अब शाम तक पढ़ाई करेगा पूरा। भाई एक बात तो चल गई पता आज कि एम्बुलेंस सिस्टम बहुत बेकार है। हाँ यार बिजी आ रहा था यार, कह रहे थे सब बिजी है, सब बिजी है भाई, 10-15 मिनट से फोन मिला रहे थे हम, ऐसे क्या फायदा भाई, फिर एम्बुलेंस आती नहीं है। और हेलमेट की इम्पोर्टेंस भी चल गई पता, हेलमेट उसने स्ट्रैप नहीं लगाया क्या? हाँ लगा था इसलिए तो, उसका सीन लगा पता है, हेलमेट पहले गिर गया था उसका। हाँ वो हेलमेट डाल लगा के स्ट्रैप नहीं लगा था, तो जैसे गिरा उसका हेलमेट छटक गया, सर लग गया, सर लगा सीधा। तो पापा ने अच्छे से हॉस्पिटल ले आके उसको ट्रीटमेंट करा दिया अच्छे से और सब कुछ सही हो चुका है। तो चलो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, पसंद है तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये खुशबू कहाँ से आ रही है, कुछ लगाया आपने, क्या लगाया? परफ्यूम है यार, छोटे बच्चे परफ्यूम नहीं लगाते कुनाली? अरे भाई इतना सारा लगाया है, लगाया। मैंने लगाया, मेरे वहाँ गया मेरे कलेक्शन के पास, चुरा के ले आया सारे।